तो ये निर्णय लिया गया है कि कल सभी MLAs के साथ मीटिंग होगी और उनमें डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, और उसके बाद अगले दिन परसों सभी काउंसलर्स के साथ मनीष जी की मीटिंग होगी, और इसके बाद फिर लगभग 14 तारीख से मनीष जी जनता से मिलने के लिए पद यात्रा में निकलेंगे पूरी दिल्ली में, और जनता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए, मोटा मोटे इस देश की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि इनका काम रोको, इस पार्टी को तोड़ो। लेकिन आप देखो, इनकी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पार्टी मजबूत है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी हर स्टेट्स पे ग्रो कर रही है, हम और भी ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो मेरा मानना ये है कि जनता से मिलेंगे और जनता का आशीर्वाद बरकरार है और दिल्ली के लिए आगे खूब। ये निर्णय लिया गया है कि कल सभी MLAs के साथ मीटिंग होगी और उनमें डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, और उसके बाद अगले दिन परसों सभी काउंसलर्स के साथ मनीष जी की मीटिंग होगी, और इसके बाद फिर लगभग 14 तारीख से मनीष जी जनता से मिलने के लिए पद यात्रा में निकलेंगे पूरी दिल्ली में, और जनता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए, मोटा मोटे इस देश की जनता को ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि इनका काम रोको, इस पार्टी को तोड़ो। लेकिन आप देखो, इनकी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पार्टी मजबूत है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, पार्टी हर स्टेट्स पे ग्रो कर रही है, हम और भी ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो मेरा मानना ये है कि जनता से मिलेंगे और जनता का आशीर्वाद बरकरार है और दिल्ली के लिए आगे खूब काम करेंगे।